तो आज हम दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं। ये सैलरी एक मजदूर की बता रहे हैं। आप एज ए ठेकेदार या एज एजेंट काम करते हैं तो आपकी सैलरी डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फैक्ट्स ऑफ रियल को आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। आइसलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, इसकी जनसंख्या 3.5 लाख की है। इसकी अर्थव्यवस्था एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की मानी जाती है। इस देश की सालाना इनकम की बात करें तो $66,000 यानी भारतीय रुपये में 49 लाख रुपए होती है। लग्जमबर्ग यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, लेकिन आप इस देश के छोटे साइज पर मत जाइए क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की है। इस देश में जो लोग मजदूरी करते हैं वो इस देश के नहीं, वो बाहर से आए हुए देशों से लोग हैं। इस देश के ज़्यादातर लोग स्थानीय खेती करते हैं और यहाँ पर खेती बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर की जाती है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 1300 पुलिस वाले ही हैं, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर क्राइम रेट कितना कम है। लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है। यहाँ की औसतन सालाना सैलरी की बात करें तो $50,000 यानी भारतीय रुपये में लगभग 48 लाख रुपये होती है। स्विट्जरलैंड जिसे दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी केमिकल मशीनें और बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट भी इसी देश में बनाई जाती है। सबसे खास बात WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट की, जिससे हम सर्च कर पा रहे हैं, उसी की शुरुआत उसी की खोज इसी देश में हुई थी। इस देश की सालाना सैलरी की बात करें तो औसतन $64,000 यानी लगभग 48 लाख रुपए भारतीय रुपए होते हैं। अमेरिका जो कि पूरी दुनिया की हाईली डेवलप्ड कंट्री है, इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इस देश की टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे ज़्यादा और सबसे हटकर है। इस देश की मिलिट्री को सबसे ताकतवर मिलिट्री माना जाता है, यही वजह है कि इस देश को सुपर पावर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस देश की सालाना सैलरी की बात करें तो $63,000 यानी भारतीय रुपये में लगभग 40 लाख रुपये होते हैं। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। इस देश में न ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है और न ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस देश के लोग नियम को सख्ती से फॉलो करते हैं और डेनमार्क दुनिया का सबसे खुशी और खुशहाल देश माना जाता है। इस देश की सालाना सैलरी की बात करें तो $55,000 यानी भारतीय रुपये में 41 लाख रुपये होते हैं। नीदरलैंड को वैसे हॉलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड दुनिया का छठा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश माना जाता है। यहाँ पे हेल्थ और शिक्षा काफ़ी ज़्यादा बेहतर और एडवांस लेवल की होती है। नीदरलैंड का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा समुद्री तल के नीचे होने के कारण यहाँ पर 14 किलोमीटर की लंबी दीवार बनाई गई है। अगर इस दीवार को हटा दिया जाए तो 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। नीदरलैंड में क्राइम रेट इतना कम है कि यहाँ के 8 जेलों को बंद करना पड़ा। नीदरलैंड में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है और यहाँ के लोगों को सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ की औसतन सालाना सैलरी की बात करें तो $54,000 यानी भारतीय रुपये में 40 लाख रुपए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बीचों का देश भी कहा जाता है क्योंकि इस देश में बहुत सारे बीच हैं। अगर एक दिन में एक बीच घूमा जाए तो पूरे बीच घूमने में 27 साल लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर लोग टूरिज्म, फाइनेंस, सर्विस और माइनिंग से पैसा कमाते हैं। यहाँ की औसतन सालाना सैलरी की बात करें तो $53,000 यानी भारतीय रुपये में 39 लाख रुपए होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। बेल्जियम में 18 वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की शिक्षा और एजुकेशन कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। इस देश की अर्थव्यवस्था ही बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की है और यहाँ के ज़्यादातर इंजीनियर और ट्रांसपोर्ट का काम और कंपनियाँ होती है। इस देश में सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे औसतन सालाना सैलरी की बात करें तो $52,000 यानी 38 लाख रुपए भारतीय रुपए होते हैं। नॉर्वे दुनिया का चौथा सबसे आय वाला देश माना जाता है। नॉर्वे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे मई से जुलाई तक 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता और रात को 12:45 पर सूर्य डूबता है और 40 मिनट बाद वापस उदय हो जाता है। यहाँ के लोग किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर हर साल 2000 नई किताबें प्रकाशित हो जाती है और इस देश में तेल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसी कारण इस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इस देश में सभी को सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। औसतन सालाना सैलरी की बात करें तो $51,000 यानी 37 लाख रुपये भारतीय में होते हैं। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। जीवन की गुणवत्ता के मामले में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानों में अपना स्थान रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सुरक्षित देशों में से एक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की औसतन सालाना सैलरी बहुत अधिक है। यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति औसतन सालाना सैलरी $50,000 यानी लगभग भारतीय रुपये में 36 लाख रुपये होती है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा देश सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।